जानते हो बेबी, आज जब घर से निकला ना तो एक तो मेरा कार खराब हो गया, फिर मेरे को ओला करना पड़ा, उसके बाद मॉल पहुंचे, उसके बाद मेरे को ना जारा के शोरूम में क्या मस्त ड्रेस पसंद आया, बट उसमें ना ब्लैक कलर था ही नहीं। एक मिनट, तू मनीषा है ना, एलविश की गर्लफ्रेंड? रुक, एलविश भाई को फोन लगाता हूँ, रुक। हेलो एलविश भाई, हाँ मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, इधर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है ना उस किसी और के साथ वीडियो बना रही है, हाँ जल्दी आ जाओ। मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक बदलेगा। लगता है एलविश भाई पागल हो गए। तो कैसे हैं आप लोग, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किससे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो क्यों बकचोदी करें, शुरू करते हैं। की राह में चलना सीख, प्यार की राह में चलना सीख, इश्क की चाह में जलना। इतना बड़ा होके क्या फायदा, जब एडिटिंग भी ना आए, कैमरामैन साफ साफ दिख रहे हैं। और भाई मैं इस वीडियो के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए उसकी तड़प कभी कम नहीं होती। यार मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ। सल्लू? हाँ। अरे सल्लू और मेरा बॉन्ड एकदम अलग है। जानते हो सलमान को? अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। प्लीज मुझे उनसे मिलाओ ना। मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ भी करवा दूंगा। पक्का? अरे प्रॉमिस। सलमान, सलमान खान आ गए। नवाजी कौन हो भाई? सल्लू भाई, यार अपुन इतने पुराने यार। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पेन और पेपर ला, ऑटोग्राफ लेना है भाई का। हाँ। जल्दी जल्दी भाई भाई, प्लीज पढ़ लो भाई। अगर तेरी इज्जत मेरे हाथों में है, समझ ले कि तेरी इज्जत गई। साला स्टार्टिंग में ऐसे बोल रहा था, लग रहा भाई सल्लू भाई इसके फैन है, लेकिन भाई लास्ट में तो तू भाई भीख ही मांग रहे, क्या फायदा। फैसू देख उधर की लाइट जला के उधर आगे रख भाई, ये वायर लेना हाथ में जरा, इतना लंबा काट दिया। मतलब करंट इस वाले में है। दुश्मन करे दोस्त, अगर ये दूसरा तार पकड़ लेता ना तो चिपक के मरता, लेकिन किस्मत अच्छी थी इसकी। पता नहीं यार इसकी फैशनिंग देख के मेरी गांड क्यों जलती यार, मुझे इसकी फैशनिंग में कुछ मजा नहीं आता है, लेकिन लड़कियां इसकी फैशनिंग देखने के लिए तरसती हैं। जो भी है सब मेरा। देखिए यार कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कस के बॉडी बना लेते हैं, खूब जिम करते हैं, बहुत बॉडी बन जाती, उसके बाद इंस्टाग्राम उठाते हैं और फिर रील डालते हैं ऐसी। जिस्म का हर रुआ। यार लोगों को क्या मजा आता है निप्पल दिखाने में। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, दूर न जावेगा। लोगों के पास जब कंटेंट नहीं बचता है ना तो अपनी पुरानी वीडियो उठा के रिमेक्स बनाते हैं ताकि उनका एक कंटेंट बन जाए। ढेड़ा नशा नशा तेरी आँखों में। मैंने बोला था ना भाई, लड़के ना लड़कियों के लिए भी दीवाने रहते हैं भाई, और भाई कैमरा में इतनी टांगे मत पसार भाई, तेरे गोटे गिर जाएंगे। इसे बोलते हैं पापा का परा भाई, सही से पंख निकले भी नहीं लेकिन उड़ने की प्लानिंग अभी बना रहा है, और भाई तू बाजीगर नहीं, बाजीगर की सफेद झांट लग रहा है। So finally guys, बहुत सारी रिक्वेस्ट आने के बाद में हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग ये चैलेंज करने वाले हैं। And guys, ये चैलेंज करने तो वाले हैं लेकिन किसी और चीज के साथ। Let's go, let's see what happens. देखो यार भाई, मुझे इसमें थोड़ी भी हंसी नहीं आई, लेकिन तुम लोग इतने छूती हो, इतने पागल हो, इस पे इतना लाइक किए होंगे, इतना हंसे होंगे, कुछ कहने का नहीं। तो भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
मुझे सबसे बेकार वीडियो लगी। मुझे हंसी थोड़ी भी नहीं आई, घंटा भर की भी हंसी नहीं आई। और वैसे भी किसने मुझसे कहा है कि मैं तो इतना हैंडसम है कि मुझे कोई भी मिल सकती है। हैंडसम? अभी चमगादड़ सुबह सो के उठा है, जाके नहा ले। हैंडसम नहीं तो नुक्कड़ पे का भिखारी लग रहा है। और बनता है, और बनता है। क्या बोलते तू? काम बोल चुटू। नाश्ता पानी करके। चाय में चीनी कम, चीनी कम। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन एक बार अपनी जिंदगी में झींगा लाला हु करता ही है। वैसा ये भी कर रहा है। तो बस गाइस, आज के लिए इतने। अगर आप लोग वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर उसकी फैन आएगी मुझे मारने के लिए या मुझे कुछ बोलने के लिए, तो मैं आज के बाद इसी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा आज लंड मेरा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं ऐसा हमेशा इस पर वीडियो बनाता रहूंगा और हमेशा इसे लाता रहूंगा वीडियो। तो बाय बाय बाय।